नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉयड बडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, मैं लगभग एक हफ्ते से ये इंटेक्स का एक्वा 5.5 वीआर जो फ़ोन है इसको यूज़ कर रहा हूँ, और आज मैं आप लोगों को इसका एक फुल इनडेप्थ रिव्यू बताने वाला हूँ। एक हफ्ते के बाद मेरे क्या इंप्रेशंस है और क्या इसके प्रोज कॉन्स और क्या क्या अच्छे फीचर्स है जिसकी वजह से आप इसको लेना चाहिए, और क्या क्या बुरी फीचर्स है जिसकी वजह से आप ये फ़ोन ना भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक हफ्ते यूज़ करने के बाद मैं इसके प्रोज के बारे में बात कर लेता हूँ। तो एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी, तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो एकदम स्टॉक यूज़र इंटरफेस है, और इसमें कोई कस्टम स्किन्स नहीं है, जिसकी वजह से यूज़ेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है और ईजी हो जाती है। और इसका जो बैटरी है 2800 मिली एम्पियर का बैटरी है, जिससे मुझे लगभग मीडियम टू हैवी यूज़ के साथ लगभग एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है। इसका जो कॉल क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। कॉल क्वालिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। जियो सिम को यूज़ करके वोल्टी के साथ मैं इससे नॉर्मल कॉल्स कर सकता था, और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आया। मैं इसमें मीडियम से लेके हेवी गेम्स तक प्ले करता रहा एक हफ्ते तक, लेकिन मीडियम से लेके हेवी गेम्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। यहाँ तक कि ईजी गेम्स, छोटे छोटे गेम्स जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से बड़े गेम्स जैसे एसफॉल्ट 8, GTA सैन एंड्रियास, नोवा 3, ये सब गेम्स आराम से प्ले कर सकते हैं। अब कैमरे की अगर हम लोग बात करें, तो इसका जो कैमरा है दोनों ही 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, और दोनों कैमरे से ही आप ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते, क्योंकि इसके जो कैमरेज है उतना अच्छा नहीं है और फ़ोटोज़ उतना अच्छा नहीं है। मैं अलग से एक डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू किया था इसका, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, या फिर आप अपने कार्ड में ऊपर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से। मैंने पहले भी बोला था मेरे रिव्यू में, और अभी भी मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो नेटवर्क रिसेप्शन है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे मुझे कभी भी जियो का फुल टावर नहीं आया, जबकि मोटोरोला फ़ोन्स में मैं फुल टावर्स के साथ जियो का इंटरनेट का आनंद उठा सकता हूँ। यहाँ पर थोड़ी कमियाँ हैं, नेटवर्क रिसेप्शन इसमें कम है। और डिस्प्ले की अगर बात करें, इसका जो 5 इंच का 720p डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, और इसमें मुझे मीडिया कंजम्पशन करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। गेम्स प्ले करने टाइम, या फिर मूवीज़ देखते टाइम, कोई गाना देख रहे, यूट्यूब वीडियो देख रहे, तो उसके लिए आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, वाइब्रेंट डिस्प्ले है। एक अलग से मैंने डिस्प्ले का कंपैरिजन भी किया था मैंने इस डिवाइस का आसूस ज़ेनफोन मैक्स के साथ, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए प्रोज के बारे में मैंने बात कर लिया। प्रोज जो इसके थे वो आपको बता देते हैं। इसके जो प्रोज है वो है, इसमें 5.5 इंच का 720p डिस्प्ले मिल जाता है आपको, जो कि इस रेंज में बहुत ही अच्छी बात है। इसका जो प्राइस है, 5000 रुपये में HD डिस्प्ले मिलना लगभग नामुमकिन है, जो इंटेक्स ने कर दिखाया है। 5000 रुपये में आपको 5.5 इंच का HD डिस्प्ले दे रहा है। इसमें आपका गेमिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, मीडियम से लेके हेवी गेम्स आप अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं। इसका जो एंड्रॉयड है एकदम स्टॉक एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड मार्शमेलो के साथ आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें गेमिंग करते टाइम मुझे कोई हीटिंग की इशू नहीं आई, जो भी एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गेम खेलते टाइम आपको एक उतना कुछ हीटिंग का इशू नहीं आएगा। हीटिंग थोड़ा बहुत था, लेकिन जो नॉर्मल था, उतना ज़्यादा हीटिंग नहीं हुआ इसके गेमिंग करते टाइम। इसमें आपको 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, इतने कम बजट में आपको 4G वोल्टी मिल जाता है, और इससे आप 4G वोल्टी का आनंद उठा सकते हैं। जियो सिम लगा के आप डायरेक्टली 4G कॉल कर सकते हैं। सेंसर्स में इसमें कोई कमी नहीं की गई है, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, लाइट सेंसर, यहाँ तक कि जायरोस्कोप सेंसर जो VR में काम आता है वो भी इसमें दिया गया है। और ये इसका एक यूनिक फीचर है, और इसके नाम में भी है VR, ये VR को सपोर्ट करता है। आप कोई भी VR डिवाइस को लगा के इसमें VR प्ले कर सकते हैं, VR का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ तक कि इस डिवाइस के साथ एक VR बॉक्स भी फ्री आता है, कार्डबोर्ड VR, उसको यूज़ करके भी VR का आनंद उठा सकते हैं। तो ये थे इसके कुछ प्रोज। अभी कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्स जैसे है, इसमें 1GB की सिर्फ आपको रैम मिलती है, जिसमें आपको मल्टीटास्किंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आया मल्टीटास्किंग करते टाइम, उतना लैग या उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। फिर भी इसमें अगर 2GB की रैम आपको मिल जाती तो बहुत ही अच्छी बात होता। इसमें आपको सिर्फ 8GB की रोम मिलती है, जिससे आपको 4GB तक इंटरनल स्टोरेज फ्री मिलता है, जिसमें ही आपको सारे ऐप्स इंस्टॉल करना होता है। लेकिन एक और अच्छी बात है इसमें,
क्योंकि ये मार्शमेलो के साथ आता है, तो आप इसमें एचडी कार्ड लगा उसको इंटरनल स्टोरेज के तरफ से यूज़ करके आप उसमें गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं या एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो कॉन है ये बहुत लोगों के लिए डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि इसका जो कैमरा बहुत ही ख़राब कैमरा है। इसका कैमरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, आप मेरे कैमरा रिव्यू में देख सकते हैं। इसके जो सैम्पल्स है, फ़ोटोज़ है, उतने अच्छे नहीं आए। 5 मेगापिक्सल के हिसाब से भी उतना अच्छा फ़ोटो नहीं आया है, ना ही फ्रंट से ना ही बैक से। तो कैमरा जो है सबसे ख़राब पॉइंट इसका लगा मुझे। तो आप अगर एक अच्छे कैमरे वाले फ़ोन को चाहते हैं तो आपके लिए फ़ोन नहीं है। तो ये थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स इस डिवाइस के लिए, और ये था मेरा इंटेक्स एक्वा 5.5 VR का फुल इनडेप्थ रिव्यू। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अनबॉक्सिंग और इनडेप्थ रिव्यू वीडियोज़ के लिए अगले वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और आपका दिन शुभ हो।